हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू डेजर्ट। ये ब्रेड और सेवैया कस्टर्ड से बनती है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैकेट सेवैया लिया था। इसको हम अच्छे से एकदम स्मॉल करके तोड़ देंगे। तो हमें ऐसे ही बारीक करनी है। अब चलते हैं गैस की ओर। पैन रख दिया है गर्म करने के लिए। हम डालेंगे थोड़ा सा घी, एक चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम सेवैया और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमारी सेवैया अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम डालेंगे एक कटोरी शक्कर। यहाँ मैंने 3 छोटी चम्मच शक्कर ली है। हमारी सेवैया गर्म है तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी, इसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। मैंने आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। इसको एकदम स्लो रखा है। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा हल्का से ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो अच्छे से, जिससे जो हमारी सेवैया थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमारी सेवैया हो गई। अब करते हैं गैस को बंद। मैंने यहाँ एक ले लिया कढ़ाई है, थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा दूध नीचे चिपक ना जाए। मैंने मलाई वाला ही दूध लिया है। एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब लेंगे हम थोड़ी सी शक्कर। ये चम्मच मैंने 4 चम्मच शुगर ली है। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लिया है। इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। और जो हमारा कस्टर्ड पाउडर वाला जो दूध है, हम इसमें डाल देंगे। और इसको अभी इसको स्लो ही रखा है। हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। यहाँ रुकना नहीं है, चलाना ही है, नहीं तो हमारे जो दूध है वो गट्ठे जैसे हो जाएंगे। फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, ये जो मैंने कटिंग करके रख दिए थे वो डाल देंगे। 1 से 2 मिनट इसको खाली चलाएंगे। गैस, हमारा दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। यह एक प्लेट डालेंगे इसमें हमने जो मिश्रण बनाया था। इसे अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। प्लेट ली है, लेंगे थोड़ी सी कटिंग, साइड का जो पार्ट है वो निकाल देंगे। हमारे जो ब्रेड है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम डालेंगे, हमने मिश्रण डाल दिया। अब डालेंगे हम ब्रेड, रखेंगे। हमारे जी इस साइड की जो कोनी रह जाती है तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसे करके हम इसको कट कर लेंगे। वापिस हो मिश्रण। बचा के रखा था ये वाला जो सेवैया, इसमें हम डाल देंगे। ये जो हमारी सेवैया बची थी हमने ऐसे ही ऊपर से डाल दी है। ये डेकोरेशन के लिए ये जो मेरे मगज के बीज है ये डाल दूंगी मैं। इसको मैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। 2 hours later। तो गाइस, इसको मैंने फ्रिज में रखा था, 2 घंटे हो चुके हैं, ये फ्रीज हो गई है। और इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।